बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजम्मिल अल्ताफुल। सो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि एनीमिया। सबसे पहले हम एनीमिया को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद जो बेसिकली थ्री टाइप्स है एनीमिया का उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो सबसे पहले माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसका टाइप है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और जो तीसरा है वो है पॉलीसीमिया। सबसे पहले हम एनीमिया को डिस्क्राइब करेंगे कि एनीमिया क्या है और एनीमिया में क्या क्या होता है। एनीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी और हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनीमिया क्या है, एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इन विच आरबीसी एंड हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज, यानी एनीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी और हेमोग्लोबिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनीमिया, जो सबसे पहला टाइप है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, साइटिक का मतलब है सेल, एनीमिया का मतलब है डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन। यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच साइज ऑफ आरबीसी डिक्रीज और एमसीवी इज डिक्रीज। यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी एनीमिया है जिसमें आरबीसी की साइज भी डिक्रीज होती है और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल 80-100 माइक्रोमीटर क्यूब होता है, उससे क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी, दूसरा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का जो रेशो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी की साइज है वो डिक्रीज क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। उसकी जो सिंपल वजह है वो ये है कि आयरन कंसंट्रेशन, यानी साइज ऑफ आरबीसी डिक्रीज ड्यू टू आयरन कंसंट्रेशन। आरबीसी की माइक्रोसाइटिक एनीमिया में साइज डिक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू आयरन कंसंट्रेशन। आयरन कंसंट्रेशन की वजह से आरबीसी की साइज डिक्रीज होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। इसका बेस्ट एग्जांपल है थैलेसीमिया। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो मींस लार्ज, साइटिक मींस सेल, एनीमिया मींस डिफिशेंसी ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन। यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा कि आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी और जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी नॉर्मल जो है वो 80-100 माइक्रोमीटर क्यूब है, उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आरबीसी की साइज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी, दूसरा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हमारे जहन में सवाल ये आता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी की साइज इंक्रीज क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। उसकी जनरली बेसिकली दो वजह है, एक फोलिक एसिड डिफिशेंसी और दूसरा विटामिन B12 डिफिशेंसी। यानी जब भी हमारे बॉडी में फोलिक एसिड की डिफिशेंसी होगी और विटामिन B12 की डिफिशेंसी होगी तो उसमें क्या होगा, हमारी आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, उसकी दो वजह है, एक फोलिक एसिड डिफिशेंसी, दूसरा विटामिन B12 डिफिशेंसी। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है पॉलीसीमिया। पॉलीसीमिया में क्या होता है, जनरली जो आरबीसी की प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होती है। पॉलीसीमिया में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इंक्रीज, आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी पॉलीसीमिया और जो दूसरा है वेरा पॉलीसीमिया। सबसे पहले जो सेकेंडरी पॉलीसीमिया है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बेसिस पे होता है,
यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बेसिस पे कैसे, जब भी हम कभी हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे, वहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, एमसीवी इंक्रीज होगा और ब्लड की विस्कासिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा है वेरा पोलिसीमिया। वेरा पोलिसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इरिथ्रोब्लास्ट में डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आरबीसी की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो सेकेंडरी पोलिसीमिया है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और वेरा पोलिसीमिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो सेकेंडरी पोलिसीमिया है उसमें क्या होता है कि जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी की प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होगी, जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा और जो विस्कासिटी ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद वेरिस पोलिसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स है उसमें डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। आज हमने एनीमिया के बारे में डिस्कस किया, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और पोलिसीमिया। यानी इसमें जो बीसीक्यूज वगैरह आते हैं वो ये आ सकता है कि इन एनीमिया द आरबीसी कंसंट्रेशन डिक्रीज, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज, या बोथ, दोनों। एनीमिया में आरबीसी की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। और जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें ये आता है कि जो इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया द साइज ऑफ आरबीसी डिक्रीज ड्यू टू आयरन कंसंट्रेशन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन कंसंट्रेशन, यानी आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी, किसकी वजह से, आयरन की कंसंट्रेशन की वजह से। उसका एग्जांपल है थैलेसीमिया। और उसके बाद जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है यानी जिसमें आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी और एमसीवी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसमें ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया द आरबीसी साइज इंक्रीज ड्यू टू फोलिक एसिड डिफिशेंसी, विटामिन बी12 डिफिशेंसी, बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी वो किस वजह से फोलिक एसिड की डिफिशेंसी और विटामिन बी12 की डिफिशेंसी से होगा। और ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया कौन सा एग्जांपल है, मैक्रोसाइटिक है माइक्रोसाइटिक, इसका मैक्रोसाइटिक होगा करेक्ट आंसर। और पोलिसीमिया में ये आ सकता है कि जो सेकेंडरी पोलिसीमिया है वो ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो सेकेंडरी पोलिसीमिया फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। और ये भी आ सकता है कि जो सेकेंडरी पोलिसीमिया है उसमें विस्कासिटी इंक्रीज होती है, एमसीवी इंक्रीज होता है, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं, या तीनों की इंक्रीजमेंट होती है, तो तीनों की इंक्रीजमेंट होगी। और ये आ सकता है कि जो वेरिया पोलिसीमिया है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या बोथ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैंक यू सो मच।